हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे जुड़े हुए हैं। नीरज, ममता बनर्जी ने 11 और 12 तारीख को लॉकडाउन कर दिया है। इस तरह से लॉकडाउन कर देना जब 13 तारीख को नीट का एग्जाम है, ये क्या दादागिरी नहीं है? जो छात्र परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उनको जबरन रोकने की कोशिश नहीं है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप में देखा जाए तो एक राज्य सरकार का बहुत ही ऐसा फैसला है जो छात्रों के कहीं ना कहीं खिलाफ जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार अड़ी हुई है। केंद्र सरकार किसी भी लेवल पे चाहती कि छात्रों का भविष्य ना खराब हो, छात्रों का एक साल ना खराब हो, इसलिए वो चाहते हैं कि नीट और जेई के एग्जाम अपने नियत समय पे हो, जो तिथि निर्धारित है उस तिथियों में हो। लेकिन जब मुख्यमंत्रियों ने मांग कर ली, डिमांड कर ली और उनको लग रहा है कि अब हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो ये एक अलग तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने 11 और 12 को लॉकडाउन की घोषणा की है, जबकि 13 तारीख को वहां पे नीट का एग्जाम होना। ऐसे में बहुत जो दूर दराज के छात्र हैं, 11 और 12 को लॉकडाउन होगा तो 13 को सेंटर में पहुंच कैसे पाएंगे? छात्रों के सामने एक बहुत विषम परिस्थिति फंस गई है कि दो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अहम के बीच में जो सबसे बड़ा पिसने वाला वो है छात्र, और छात्र परेशान है कहीं ना कहीं कि कैसे वो अपने एग्जाम को दे पाएगा भी नहीं दे पाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब इस पर केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को कहीं ना कहीं मिल बैठ के बात करनी चाहिए और मुझे लगता है कि उन छात्रों की समस्याओं को दूर करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। नीरज, सुप्रीम इसके साथ साथ क्योंकि आपने केंद्र सरकार की बात की, तो आज शिक्षा मंत्री बात करने वाले हैं छात्रों से। हालांकि ये काम तो महीने पहले हो जाना चाहिए था, 3 दिन पहले ही सही। अब 3 दिन में आप छात्रों को क्या समझाना चाहते हैं? देखिए, मुझे जो समझ में आ रहा है कि शिक्षा मंत्री ये समझाना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि छात्रों के से कि हमने तैयारी पूरी कर ली है, आप लोग बिल्कुल डरिए नहीं, आप लोग आइए और अपना एग्जाम दीजिए, साल ना खराब हो। चूंकि शिक्षा विभाग पर भी एक बहुत बड़ा दबाव है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी सुप्रीम कोर्ट माने तो उन्होंने कहा कि एक साल बर्बाद नहीं किया जाता। कोरोना काल में जब सभी चीजें खुल चुकी हैं, हम और आप खुल चुके हैं, हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप एंकरिंग कर रहे हैं, मंत्रालय चल रहे हैं, बाजार चल रहा है, फैक्ट्रियां कंपनियां चल रही हैं, तो ऐसे में छात्रों का एक साल कैसे बर्बाद हो? दूसरा, IIT के डायरेक्टर्स ने भी साफ तौर पर लिखकर और बोलकर भी ये बात कही है कि हमारे लिए दो सत्रों को एक साथ पढ़ाना हमारे लिए मुश्किल है। तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में दिक्कत होगी। तीसरी बहुत बड़ी बात, मैं एक शिक्षाविद से बात कर रहा था, उन्होंने जो कहा कि कल के जब, चूंकि IIT का पूरे वर्ल्ड में रुतबा है और IITian जो 2020 का स्टूडेंट होगा और कल के कहीं जाएगा किसी दूसरे देश में और वहां उससे पूछा जाएगा कहीं आप 2020 बैच के तो नहीं हो, तो वो एक बहुत एम्बैरसिंग फील करेगा और कहीं ना कहीं उसको अकवर्ड फील होगा। बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप पूरे मसले पर नजर बनाए रखिए, सवाल अब भी बरकरार है, सबके अपने तर्क है, सवाल अब भी बरकरार है, जान जरूरी है या इम्तिहान जरूरी है।